कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो साक्षरता अभियान के लिए हर लिहाज में एक मिसाल है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है जिससे लोग प्रेरित हों, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो एक विकलांग है और इसके बावजूद वो लगा हुआ है लोगों को साक्षरता का संदेश देने में। कौन कहता है विकलांगता अभिशाप है? कौन कहता है विकलांगता वो रोड़ा है जो जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकता है? विकलांगता से जुड़े विभिन्न सवालों को नकारते बाबू सिंह कुंभावत चलते चले जा रहे हैं अपनी जिंदगी को सार्थक रूप देने। ये ज्ञानदूत के रूप में निरक्षरों की अंधकारमयी दुनिया में उजाला भरने की पूरी कोशिश में लगे हैं। यहाँ जीवन के विभिन्न पड़ावों तक पहुँचे लोगों के बीच ये उस साक्षर जीवन की नींव रख रहे हैं जो उनके जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। पढ़ना लिखना तो ये संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के दौरान सीख ही गए थे, पर अब वे वापस किताब पढ़ना भूल न जाएं, इसीलिए बाबूराम इनके बीच अखबार पढ़ना, पुस्तकालय से ली किताबें पढ़ने की आदत डाल रहा है। पत्थर गिरने से एक श्रमिक की मृत्यु, नाडोल में कई हेडपंप नकारा, फसलों को खरपतवारों से दूर रखने की सलाह। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नीरस न हो जाए, इसीलिए यहाँ सांप सीढ़ी और कैरम बोर्ड जैसे खेलों की व्यवस्था की हुई है। एक बार गांव वासियों की यहाँ केंद्र में आकर बैठने की आदत हो गई, तो एक उद्देश्य को लेकर प्रबल इच्छा शक्ति वाले बाबूराम इन्हें समाज की कुरीतियों पर चर्चा करवाते हैं। ट्रेलर का काम मैंने 1 जून 2000 से किया है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भारत भर में ये जो निरक्षरता है उनको मतलब अंगूठा रूपी है जो इनको मतलब मिटाना, और कहाँ देश में देश राज्य देश में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर करना, साक्षरता के साथ में ये जो आजकल की बुरी प्रथाएं फैली हुई जैसे बाल विवाह, छुआछूत, प्रीति भोज, तो मतलब ऐसे मतलब पढ़ने से लोगों में ऐसी भावना पैदा होगी, जो शिक्षित होंगे आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है कि मतलब पढ़ने से हमें वास्तव में अनपढ़ नहीं रहना चाहिए और वास्तव में पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से हमें ये जागरूकता पैदा होगी कि मतलब जितनी भी अंधविश्वास फैले हुए भूत प्रेत है छुआछूत है जैसे विभिन्न प्रकार की मतलब प्रथाएं हमारे देश में चल रही है उनको नष्ट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना और वो अपने आगे मतलब सक्षम हो सके। सरपंच पुखराज सिरवी कहते हैं, साक्षरता का फायदा तो अभी जो अनपढ़ हैं इस गांव में बहुत थे पब्लिक, जैसे औरतों भी थी और बच्चे भी है, तो साक्षरता ये जो सतर शिक्षा केंद्र खुला है तो उससे थोड़ा बच्चों को और औरतों को भी थोड़ा नॉलेज में आया कि पढ़ाई क्या चीज होती है और कैसी पढ़ाई होती है। और हंसी मजाक खेलकूद यानी कि खुशी उत्साह के वातावरण के बारे में ये कहते हैं, मैंने जो गेम आ रहे वो गेम देख रहे, कैरम बोर्ड कैसा है अभी गांव में, ये भी लोगों को पता नहीं है कि कैरम बोर्ड क्या चीज होती है, कि फुटबॉल तो पहले से भी खेलते है लेकिन इन लोगों को ये तो मालूम नहीं है कि कैरम बोर्ड तो अभी आया है, बाकी पता ही नहीं है कैरम बोर्ड क्या चीज होती है। जैसा कोई बड़ी बड़ी सिटियों में जाते उनको मालूम है कि भाई कैरम बोर्ड क्या होता है, बैट बॉल क्या होता है, अभी वो जो टीवी में देखते हैं तो उनको मालूम पड़ा है कि। जब सीखने वाले यानी कि नवसाक्षर इतने खुश हैं, इतने उत्साहित हैं, तो इनकी प्रेरक तो खुश होंगी ही।
औरतों को जानकारी मिली और ये इधर उधर धक्के खाते थे और राशन कार्ड के लिए थोड़ा बहुत ये मालूम पड़ा है उनको। ये प्रेरक कोई साधारण साक्षर कर्मी नहीं, ये सुमेरपुर ब्लॉक की पंचायत समिति की प्रधान भी रह चुकी है पूरे 5 साल तक। इसलिए पूछने पर कि प्रेरक क्यों बनी, ये कहती है, सीखने के लिए कुछ बातें और ये ज्ञान की बातें जो किताबें आती हैं, इसीलिए मुझे ये सीखने के लिए और आगे से आगे बढ़ने के लिए। वाकई में साक्षरता की उमंग ही ऐसी है कि जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है। आखिर बाबू सिंह भी अपनी विकलांगता को आड़े नहीं आने दे रहा। खैर बाधा तो अब रोज बाधा ही है, पैरों के लिए पैरों के बिना आदमी क्या कर सकता। अब एक तो सही पैरों वाला और एक मैं हैंडीकैप्ड हूं, जितना मैं सोचता हूं उतना कर नहीं सकता हूं। फिर भी जितना मेरे से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मैं हर काम में मतलब बिजी रहता ही हूं। हाँ, एक तरह से एक अनकहा हुआ अफसोस जरूर है कि अगर इसके घर वालों में वर्षों पहले आज की तरह जागरूकता होती तो वे इसका ऑपरेशन जरूर करवाते। ये मेरा मतलब जन्म से तो नहीं, 1 साल के बाद में हुआ है। मतलब पहले साल में इतने लोग ट्रीटमेंट में समझते नहीं, मेरे पेरेंट्स थे तो उन्होंने मतलब एक बार हॉस्पिटल में बताया था तो उन्होंने कहा कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो उसमें इतने ट्रीटमेंट में समझते नहीं थे। ऑपरेशन का डॉक्टर ने उसको मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया कि भाई नहीं मेरा बच्चा है छोटा है मर जाएगा, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, और इस वजह से मैं हैंडीकैप हो गया। और इसीलिए चाहत है गांव में हर तरह की जागृति आए, हर कोई हो खुश और खुशहाल। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ही गांव के अपने ही देश के मतलब साक्षर हो, जितने हमारे मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या है उनको सीमित रखना है। इस प्रकार से मतलब साक्षरता से काफी मतलब कमियां दूर होगी जिससे हमारा देश आगे विकसित हो सकता है। तो जहाँ बाबूलाल जैसा ज्ञान दूत है वहाँ ज्ञान का प्रकाश तो फैलेगा ही। जहाँ राजस्थान का ये विकलांग अपने गांव वासियों के बीच लगा हुआ है साक्षरता का संदेश फैलाने में, वहीं बैंगलोर में ये साक्षरता कर्मी झुग्गी झोपड़ियों में यानी कि पिछड़े गंदे और पिछड़ी हुई गरीब बस्तियों में निरक्षरता के अंधकार को मिटाने में जुटा हुआ है। इन्हीं साक्षरता कर्मियों की कोशिश की वजह से आज इन बस्तियों के लोग न केवल दुनियादारी के मामलों में अपने आप को हिस्सेदार बना रहे हैं बल्कि इन अधिकारियों के प्रति सचेत भी हो रहे हैं। किसी भी शहर की या महानगर की बस्ती वो जगह है जहाँ गरीबी की मार झेल रहे लोग रहते हैं। इनमें पिछड़ापन भी है, अशिक्षा भी है। किसी से पूछो निरक्षर क्यों हो या अशिक्षित क्यों हो, जवाब सीधा यही मिलेगा, हमें हमारी 2 वक्त की रोटी का भरोसा नहीं, पढ़ने लिखने की बात कैसे सोचें। सूचना तकनीक के लिए विश्व विख्यात बंगलुरु की बस्तियों में भी कमोबेश यही हालत है। पर साक्षरता अभियान के तहत कोशिश हुई कि इन बस्तियों के सभी निरक्षरों को किताबों की दुनिया में लाया जाए। मामला कठिन था पर चुनौती स्वीकार ली गई। सभी जगह एक सी स्थिति थी, लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्यों? फरजाना का कहना है माँ ने स्कूल छुड़वा दिया। हमारी अम्मी छुड़ा दी। मोसीना भी स्कूल नहीं जाती थी, पहले पढ़ती थी 3 दिन तक पढ़ी। बस्तियों में मिले अलग अलग लोगों के जवाब कुछ ऐसे थे, जवाब जो उनकी परेशानियां भी बताते हैं और उनकी उम्मीदों पर भी रोशनी डालते हैं। जगह इधर नहीं है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए रहने के वास्ते, पढ़ाने के वास्ते जगह इधर नहीं है। यहाँ टीचर कौन भी नहीं आते, उसे इनको पढ़ाने कौन भी नहीं, ना वो 50 मेंबर्स मास्टर एक जने संभाल नहीं सकते। हमें तो मजदूरी में रहते छोटे जैसे हमें वो करे ना, हमें बच्चा तो करा रहे, बच्चा तो पढ़ा रहे। सब गरीब वाला रहता, काम करने वाला रहता, जल्दी मैरिजेस करते और जल्दी बच्चा पैदा हुए तो, और फैमिली प्लानिंग भी नहीं करते वो लोग। ज़्यादा बच्चा हो तो गरीब वाला रहता, काम सब लोग करके रोज़ रोज़ लोगों को खाना मिलना बहुत मुश्किल रहता ना। ऐसे लोगों में साक्षरता का संदेश फैलाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। भारत ज्ञान विज्ञान समिति का कला जत्था रात रात बस्ती में घूमता था और लोगों को प्रेरित करता था कि वे किताबों से रिश्ता जोड़ें। धीरे धीरे लोग आने लगे। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में महिलाओं की अलग अलग क्लासें लगने लगी। प्रेरक मुत्तम्मा का कहना है, स्लम में बहुत लोग गरीब हो है, उनको बहुत मुश्किल है स्लम में पढ़ने को, बिजली नहीं, पानी नहीं, घर का भी ठीक से नहीं, वो पढ़ने के भी स्कूल नहीं, इधर पढ़ने के बहुत मुश्किल है इसका। और सभी हम ये करता है, हम तो PLP ब्लॉक PLP कोऑर्डिनेटर का हमको काम दिया है बेंगलुरु सिटी साक्षरता डिपार्टमेंट में, हम सेंट्रल किया है इधर हर सुकालने में। प्रेरक की भूमिका के बारे में मुत्तम्मा कहती है,
स्लम में हम तो लोग को सभी अकाउंटिंग करता है, लोग का साथ हम परेशान करता है, लोग का फ्रेंड रखता है, इसलिए हमको बहुत अच्छा है इसका साथ क्लास करने का। वो भी हमारा अच्छा हमारा साथ आवाज़ देता है, उसका क्या बच्चे का मुश्किल है, वो पढ़ने का क्या उसको ये है, सभी हमको ये करता है, उसका भी हमको अच्छा है, हम आपको गले में पाऊँ। आदमियों के बीच साक्षरता का संदेश फैलाने वाले प्रेरक HMS शरीफ कहते हैं, इनको पढ़ाने के हम बहुत शौक है और यहाँ का एजुकेशन नहीं है यहाँ के लोगों को, इसलिए ये 3 महीने से अब जो मैनेजमेंट में ही चला रहा हूँ, वो मैनेजमेंट में 2-4 क्लासेस बना लिए हैं, जगह नहीं है फिर भी उसमें चला लेकर जा रहे हैं। इससे इनमें बदलाव भी काफी है, जरा पढ़ना लिखना अच्छा आ रहा है और मालूमात कर ले रही, और कोई कोई चीज पूछना रहा तो ऑफिसर से पूछने की भी हिम्मत आ गई है वो। ऐसे में जाहिर है पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने और उसे पूरा करने पर शरीफ भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत खुशी हो रहा है और पढ़ाने के लिए भी खुशी हो रहा है, और उनको अच्छे तौर से अभी आइंदा पढ़ाएंगे और उनको तरक्की देंगे करके हमारा ख्याल है। वैसे मुत्तमा और शरीफ के विद्यार्थी क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा बोलने में, आप 3 महीने से इधर आको, ये तुम्हारे आदमी सब इधर आको बोलने में, इधर हमें पढ़ रही जरा मालूम मत हो रहा। उन्हों मामू उस्ताद आको है, उन्हों पढ़ो पढ़ो कर को बोल को 2-3 महीने से उन्हों पढ़ा रही, अब जरा जरा दिमाग में पिट रहा है कैंडा उर्दू जरा। रोजाना शाम घर का कमरा हो या किसी मस्जिद मंदिर का आंगन, पढ़ाने का सिलसिला चल ही निकला। साक्षर होने की उमंग हरेक में जगी, इसलिए हरेक मन लगाकर पढ़ने लगा। प्रेरक भी जुट गए कि लोगों के ज्ञान में वृद्धि कैसे की जाए। फायदा जल्द ही सामने आया। अभी आपने इन बस्तियों की हालत देखी, क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी कमाई क्या होगी? जाहिर है ज्यादा नहीं। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि पिछड़े और गरीब इलाकों के लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। सही है, लेकिन एक अजीब बात देखी। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में साख और बचत बैंक में वहां के लोगों ने इतना पैसा जमा किया कि उसे बड़े बैंक पे डाला गया, और ये है लाखों में। इस गांव का नजारा देखिए, छोटे मोटे मकान हैं, कुछ तो एकदम टूटी फूटी व्यवस्था में है, यानी कि गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए कुछ तो विकास के प्रतीक है, पर पिछड़ापन भी छिपा नहीं। ये राजनंद गांव का एक प्रतीक इलाका है, जहां गरीबी, पिछड़ेपन, निरक्षरता, गंदगी सभी तरह की समस्याएं थी। पर आज फर्क सिर्फ इतना है कि गांव वालों में जागृति आई है कि जो है वो ठीक नहीं। साक्षरता आंदोलन की वजह से इनमें एक नई चेतना जगी है। पिछले साल तो पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम के तहत ज्यादातर सभी लोग क, ख, ग और 1, 2, 3 तक सीख गए, जो कुछ लोग संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता के दौर से पहले निकल चुके थे वे कुछ आगे निकल गए। और आगे का क्या मतलब हुआ? चलिए जरा सोचिए, गांव की हालत हमने आपको दिखा दी। यहां के लोग अपने बचत बैंक में, जिसे साख एवं बचत बैंक का नाम दिया गया था, उसमें कितने पैसे जमा है। यहाँ इस तरह के 126 बचत समूह है। चौंकेंगे तो सही आप, पर हम बता देते हैं कि इस साख एवं बचत बैंक में अभी 46,74,000 से अधिक राशि जमा है। जी हाँ, ये सभी पैसा इन बचत समूह से आया है। ये सभी महिलाएं हर महीने 500 रुपया जमा कराती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ऋण लेती है। ये जो किराने की दुकान है, ये भी इसी बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई है। दुकान संभाल रहे अमित कुमार का कहना है, हमने सोचा कि हमें दुकान खोलना है, उसके लिए हमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए हमने UBSP से सहायता के लिए अपील की और हमें उसके लिए पैसा UBSP ने हमें सहायता दिया। आज उनके कारण हमारा दुकान बहुत अच्छा चल रहा है और हम अपनी किस्तें टाइम पे पटा भी रहे हैं। जहां ये अमित कुमार की मां ने दुकान के लिए ऋण लिया, वहीं दुर्गा ने 500 रुपए लिए अपने बच्चे की जरूरत के लिए। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी, उसके इलाज कराने के लिए मैंने ली, गांधी के यहाँ मैंने इलाज करवा लिया। जी हाँ, ये साख एवं बचत बैंक में लगा कंप्यूटर, जो सारे हिसाब किताब का काम संभालता है, इसी परिवर्तन का तो प्रतीक है। कंप्यूटर के जरिए ही ऐसे 126 समूह का हिसाब रखने में आसानी हो रही है। 126 बचत समूह में से एक समूह है ये, रामेश्वरी पाल नाम से बचत समूह है, और इसके तहत 25 सदस्य हैं इसमें, और ये लोग आपस में पैसा जमा करते हैं, कम से कम 10 रुपये जमा करना होता है, अधिकतम ये अपनी इच्छा अनुसार जितना भी जमा कर सकें, और इनके जमा राशि पर इनको ब्याज दिया जाता है,
और जब कभी भी इन्हें आवश्यकता होती है ये ऋण ले सकते हैं। और यहाँ की खासियत भी ये रही कि ये अपनी कमजोरियों को उपलब्धियों में बदलने में कामयाब रहे। जो नेगेटिव बात थी उसको हमने पॉजिटिव चेंज में लाने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे। आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारे यहाँ जो साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई थी उसके बाद आज की स्थिति में हमारा जो साक्षरता दर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जागृति का ये हाल है कि अन्य राष्ट्रीय बैंकों की जहां परेशानी है कि ऋण दिया गया पैसा वसूला नहीं जाता या बैंक को घाटा उठाना पड़ता है, इस बैंक में 100% राशि की वापसी है। बैंक में 90% से ऊपर वसूली दर कम ही देखने को मिलता है। सबसे बड़ी उपलब्धि 54 लाख रुपए जमा हो गया है और बहुत सारा ऋण बट चुका है और 30 लाख करीब वापसी भी हो गई है। खासियत ये भी है कि इन समूहों के 70% सदस्य महिलाएं हैं। साक्षरता के माध्यम से क्या हुआ कि छोटे छोटे समूह बन गए। आज महिलाओं में इतनी जागृति आ गई कि लोगों ने बचत के बारे में जाना। साक्षरता की जब कक्षाएं चलती थी मैडम, उस समय सबको बचत के बारे में भी बताया गया और बहुत अच्छे से लोगों ने समझा और आज 70% महिलाएं जो हैं वो हमारी बचत केंद्र की सदस्य हैं। वाकई में साक्षरता के कारण जो बदलाव यहाँ आया है वो सभी के लिए अनूठी मिसाल से कम नहीं। इस समिति से हम जुड़े हैं। महिलाओं की ये समिति थी, महिलाओं और बच्चों के उत्थान की दिशा में कार्य कर रही थी और इसको लेकर हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, अन्य कई गतिविधियों पर काम किया और मेन उद्देश्य यही था कि जैसे हमारी शासन चाहती है कि महिलाएं आगे आए और उनमें जागरूकता हो, तो साक्षरता के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य गतिविधियों को लेते हुए आज आप ये जो देख रही हैं कि हमारी समिति ने 46 लाख रुपये जमा किए हैं, तो ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा चेंज है महिलाओं में। महिलाएं आगे आई, आत्मनिर्भर बनी, उनकी अपनी पहचान कायम हुई, उन्हें एक नई दिशा मिली जीने की नई राह मिली है। और अब ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ हुई प्रगति से संतुष्ट नहीं। महिलाएं साक्षर होकर अब देश विदेश की खबरों में भी रुचि लेने लगी हैं। ये आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ज्ञान हासिल होने पर आत्मविश्वास का संकेत है। अपनी आर्थिक स्थिति की बेहतरी हो ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कल्पना की जाती है बचत बैंकों की। जहां राजनांद जिले में साख और बचत बैंक में लोगों ने भारी रकम जमा की है, वहीं पंजाब के होशियारपुर जिले में एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। सन 2001 के सेंसस रिपोर्ट में एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आई है और वो ये कि पंजाब और हरियाणा का सेक्स रेशियो गिर रहा है। कहीं कहीं 1000 आदमियों पर केवल 700 महिलाएं हैं, पर होशियारपुर जिले में साक्षरता की वजह से ये सेक्स रेशियो बेहतर है। ये पंजाब के किसी भी समृद्ध गांवों जैसा ही गांव है। ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हैं। 2 जून की रोटी तो हर कोई कमा लेता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़ा इलाका नहीं पर एक तरह का सामाजिक पिछड़ापन है। महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं जिस पर उनका अधिकार है। पंजाब में लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 814 महिलाएं ही हैं। माना जाता है इसके लिए भ्रूण हत्या से लेकर लड़कियों को होते ही मार डालने जैसे कुकर्म शामिल है। इसलिए जब यहाँ साक्षरता प्रोग्राम चलाया गया तब महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार से लेकर लड़कियों के अधिकारों तक के बारे में खूब प्रचार प्रसार शुरू हुआ। होशियारपुर में साक्षरता कार्यक्रम की सफलता के कारण यहाँ पंजाब के दूसरे इलाकों की तुलना में लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 890 महिलाएं हैं। पर इस स्थिति को लाने में यहाँ के ज्ञान दूतों को काफी मेहनत करनी पड़ी। अपनी विकलांगता के बावजूद इसी तरह पिंकी गली गली घर घर जाती थी, लोगों को प्रेरित करती थी कि महिलाएं और लड़कियां साक्षरता क्लास में आएं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि लोग दिन भर खेत के काम में व्यस्त रहते थे, ऐसे में पढ़ने के लिए समय निकालने का तर्क नहीं समझ रहे थे। फिर औरतें भी पंजाब की मेहनत कश हैं, दिन भर गाय भैंस के लिए चारे काटने से लेकर पशुओं के हर तरह के काम से लेकर घर के कामकाज में फुर्सत के खाली क्षण शायद ही नसीब होते थे। ऐसे में साक्षर कर्मी द्वारा क्लास में आने का निमंत्रण ये भी आसानी से स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। पर पिंकी ने सब्र से, अपनी हिम्मत से, अपने विश्वास से लोगों के बीच जाना न छोड़ा। धीरे धीरे वो अपने मकसद में सफल हो ही गई। बच्चे और लड़कियां उसकी क्लास की दस्तक देने लगी।
पढ़ाई लिखाई तो पहली सीढ़ी थी, लिहाजा पढ़ने सीखने का सिलसिला तो चला ही, पर डर था कि लड़कियां खेत के काम के लिए या कुछ और कार्य करने के लिए यहां से चली जाएंगी, इसलिए साक्षरता को आय वृद्धि से जोड़ा गया। यहां पिंकी की क्लास में टाइपिंग मशीनें लगाई गईं ताकि लड़कियां स्टेनोग्राफी में दक्षता हासिल कर सकें। लड़कियां और उनके माँ बाप ने सोचा, चलो स्टेनोग्राफी करके लड़की नौकरी करने लायक हो जाएगी, इसलिए यहां आने पर से पाबंदी हटा ली गई। आज यहां क्लास में आ रहा हर एक बच्चा खुश है। पिंकी बताती है पहले और अब में फर्क। पहले तो मैडम जहाँ पे मतलब कुर्सियाँ भी नहीं होती थी, मैं अपने घर से एक कुर्सी मंगाई, वहाँ से पहला बच्चियाँ ने किया जहाँ पे आके पढ़ो, और औरतों को मेरे पास आती थी, कहती थी चिट्ठी मेरी लिख दे, और मैं क्या तुसी खुद क्यों नहीं तुसी पढ़ सकती हैं, वो मेरे पास आन के कहती तुम हमें पढ़ाएंगी, और मैं फिर भंडार साहब सर कोआर्डिनेटर सी जो आते होंगे सी, इन्होंने मैं कहा कि मतलब मैनू बुक्स चाहिए पंजाबी दियाँ जो औरतें पढ़िया जाए, उन्होंने मैं उड़ाड़ा पढ़ाया, फिर हौली हौली उन्होंने हाथ फड़ के उन्होंने नाँ सिखाए, फिर वो हौली हौली पंजाबी पढ़न लग गई, दो तीन साल मेरे को पढ़दी रही, हूँ तक भी आ रही हैं बिच बिच कई औरतें जिहड़ियां अपना नाम लिख सकती हैं। इसकी खुद की विकलांगता कभी इसके काम में आड़े नहीं आई। बहुत आती है लेकिन फिर भी मैं इसका एहसास नहीं करती कि ये मेरे मतलब इस तरह है। फुर्ती देखिए, अभी एक क्लास में स्टेनोग्राफी शिक्षण दे रही थी और अब यहाँ पंचायत घर में चलाए जा रहे सिलाई केंद्र में आकर सिलाई क्लास की तैयारी कर रही है। साक्षरता से आए बदलाव का तो सरपंच राम आशा भी इजहार करते हैं। साक्षरता में जो क्या लोग सीख रहे थे उनको फायदा हुआ है, वो लिखना पढ़ना बोलना सीखे हैं, काफी अच्छा रहा है। तो जब पढ़ाने वाले पिंकी की तरह हों तो सभी को लगता है मुश्किलों के बावजूद दृढ़ निश्चय हो तो अपने पद पर आगे बढ़ना मजेदार भी हो सकता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है बच्चों में रहकर, और लड़कियां मेरे पास आती हैं यहाँ, वो अपनी बातें करती हैं, पढ़ती हैं, सीखती हैं, जिले हो अपनी चिट्ठी खुद पढ़ती हैं, मुझे बहुत खुशी होती कि ना मेरे को मतलब एक गुर सीखिया। झारखंड के कोडरमा इलाके में जोर है वातावरण निर्माण पर, न केवल वातावरण बनाने पर, जिससे लोग साक्षरता मुहिम के साथ साथ वातावरण बनाए रखने में भी शामिल हो सकें। कृष्ण की बांसुरी यदि तमाम गोपियों को कृष्ण तक खींच लाती थी तो साक्षरता का ये पैगाम गांव वासियों को क्यों ना आकर्षित करे। पढ़ला के जुगावा ना हो, पढ़ला के जुगावा ना भैया हो, किसानवा की ले ले अक्षर ज्ञान। ये कलाकार साक्षर कर्मी लगे हैं वातावरण निर्माण के काम में। साक्षरता जहाँ फैलानी है वहाँ वातावरण निर्माण बहुत जरूरी है। जहाँ वातावरण का निर्माण करना जरूरी है वहीं वातावरण को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी। शुरुआत में वातावरण बनाना जितना सरल है उससे हजार गुना कठिन है उससे बनाए रखना। यहाँ पर वातावरण निर्माण में ये कला जत्था बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। वैसे साक्षरता अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वातावरण निर्माण। यदि वातावरण बन गया तो समझिए साक्षरता अभियान सफल हो गया। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये तो है लगातार निरक्षरों को जागृति प्रदान करने वाली एक क्रांति। एक और बात है, इसमें जो वॉलंटियर शिक्षित हैं, वो निस्वार्थ भावना से जुड़ते हैं और जाहिर है जुड़ेंगे ही, इसलिए ये वॉलंटियर्स द्वारा चलाए जाने वाला एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसमें सैकड़ों लोग सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या कॉलेज जाने वाले युवा, ग्राम प्रधान हो या घर में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल। रक्षा अग्रवाल ने बीए प्रथम पास कर ली है, अब वो चाहती है इस क्षेत्र से अशिक्षा दूर हो। अशिक्षा फैली हुई है, जो औरतें आज कल नहीं पढ़ने की वजह से, शिक्षित नहीं होने की वजह से, जो मान कि समाज में जो शोषण उनका हो रहा नहीं पढ़ने की वजह से, जैसे कि एक दुकान में जाती हैं तो नहीं पढ़े लिखे होने के कारण दुकानदार उन्हें ठग लेता है,
तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इतना मैंने समझ हो जाना चाहिए उनको कि कम से कम ये ठग जो हो रही है वो नहीं ठग सके। मैंने मेरा उद्देश्य शिक्षित होना। वो कहती है कि शादी के बाद भी वो साक्षरता अभियान से जुड़ी रहेगी। शादी के बाद भी मैं चाहूंगी कि मेरे ससुराल वाले की तरफ से मुझे सहयोग मिले ताकि मैं ये जो अभी कार्यक्रम कर रही हूँ ये मैं चालू रख सकूं शादी के बाद। कला जत्था की सदस्य प्रेम प्रकाश भारती कहते हैं कि उसके बड़े भाई भी समाज सेवी थे, इसलिए वो भी समाज सेवा करना चाह रहा है। वो कहता है कि इस जगह बदहाली है, निरक्षरता है और इसीलिए लोगों को जागरूक बनाना सभी का काम है। वो बीए तो पढ़ ही रहा है, नौकरी नहीं करना चाहता, चाहता है कि समाज सेवा करे। यहाँ के लोग निरक्षर हैं और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पहले हमको यहाँ के लोग साक्षर बनाना पड़ेगा कि उस जब साक्षर होंगे तभी वो समझ सकेंगे कि हमारी बदहाली के कारण क्या है, हम आर्थिक दृष्टि कैसे मजबूत हो सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस नाटक को देखने के लिए गांव के लोग भी खूब आते हैं और जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये साक्षर कर्मी नाटक और नृत्य के जरिए लोगों को साक्षरता की बात समझा देते हैं। ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के अगले एपिसोड में कुछ खास क्षेत्रों की खास बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको साक्षर बनाना है। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको साक्षर।